पहले हम साधारण रूप में यही शुरू करते हैं, पहले अस्तित्व को ही समझते हैं, अस्तित्व की एक सामान्य रूपरेखा समझ लेते हैं। तो अस्तित्व स्वयं में सह अस्तित्व है, ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि सत्ता में संपर्क प्रकृति ही संपूर्ण अस्तित्व है। प्रकृति अपने में एक एक के रूप में गिनने योग्य वस्तु है, गिनने वाला मनुष्य है। एक एक के रूप में गिनने योग्य वस्तु क्या चीज है? सारा प्रकृति है, एक एक के रूप में गिना जा सकता है। जैसा एक धरती, दो धरती, चार धरती, हजार धरती, अनंत धरती, एक परमाणु, दो परमाणु, दस परमाणु, अनंत परमाणु, ठीक है। तो एक परमाणु अंश, दो परमाणु अंश, अनेक परमाणु अंश, इस प्रकार की हम गिनतियां करने की बात है। उसके बाद जो है ना, एक धातु, दो धातु, अनेक धातु, एक मट्टी, एक प्रकार की मिट्टी, दो प्रकार की मिट्टी, अनेक प्रकार की मिट्टी, उसी प्रकार पत्थर, उसी प्रकार मणि, इन सबको एक दो तीन चार गिनते ही है, ठीक है। इस ढंग से हमको संख्या गिनने की बात है। मनुष्य ही गिनती करता है, दूसरा कोई करता नहीं, गिनती करता है आदमी। जो गिनने योग्य वस्तु जितने भी है, ये सब प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, माने जड़ चैतन्य प्रकृति जो कुछ भी है, ये सब गिनने योग्य है। एक जीवन, दो जीवन, दस जीवन, करोड़ जीवन, अरबों जीवन, ये हम गिन ही सकते हैं, ठीक है, गिनने योग्य वस्तु है। अब जो ऐसे जीवन अनेक जीवन है, तो बड़े बड़े, बूढ़े छोटे बड़े सब में है, ऐसे जीवन की महिमा के बारे में बताया, समानता की मुद्दे बताया कि हर जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में तो चारों मुद्दा समान है, अक्षय बल, अक्षय शक्ति, गठन पूर्णता, ठीक है। तो गठन पूर्ण परमाणु है, चैतन्य इकाई के रूप में समान है, अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में समान है, लक्ष्य के रूप में समान है, सभी जीवन, सभी मानव जीवन सुखी होना चाहते हैं, ठीक है। सुखी कैसा होगा बोले? समझदारी से सुखी, ना समझी से दुखी। क्या सूत्र निकला? छोटा सा सूत्र, समझदारी से सुखी, ना समझी से दुखी, छोटा सा काम। तो अभी तक सारा संसार ऐसे जूझता रहा, एक बार जूझता रहा कि तुम तप करोगे, योग करोगे और सन्यासी हो जाओगे, साधु हो जाओगे, तब सुखी हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, अच्छी बात हुआ, उसको भी लोग प्रयोग किए, कुछ प्रमाण मिला नहीं। और उसके बाद दूसरा बार ये जूझे कि भाई खूब वस्तु को इकट्ठा कर ले, सुखी हो जाओगे, उसके लिए भी आदमी जूझा, उसमें भी कोई सुखी नहीं हुआ। ये दोनों सुखी ना होने की बात सोचने की बात आता ही है, उसी सोचने के क्रम में आई समझदारी से आदमी सुखी, ठीक है, ना समझी से दुखी, समझदारी से सही, सही में हम सब एक ही हैं, और ना समझी से गलती, गलती में हम सब अनेक ही हैं, एक दूसरे को सहमत होते ही नहीं। आपका गलती से हम सहमत हो जाएं, मेरे गलती से आप सहमत हो जाएं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो गलती है तो गलती है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, इनके लिए भी, इनके लिए भी, ऐसी बात है, इसीलिए हम गलती में अनेक हैं, ठीक है। सही में हम एक ही हैं, ये बात हमको समझ में आ गई है। वो समझदारी से ही हमारा ये कल्याण मार्ग प्रशस्त होता है, समझदारी से सुखी होते हैं, समझदारी से ही समृद्ध होते हैं, समझदारी से ही वर्तमान में व्यवस्था के रूप में जीते हैं, समझदारी से ही सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। सुख का चार पैर, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये चार चीज आता है तो हम सब सुखी हो गए, चार चीज नहीं आता है उसके लिए प्रयत्न जारी। वो प्रयत्न के क्रम में ही हम तमाम पूजा पाठ, योग, जग, जग, तप सब कर डाले, उसी क्रम में बहुत सारी चीजें इकट्ठा भी किया, सब कुछ किए भी, सकल कर्म किए, हो गया, खत्म हो गया बात। तो अब क्या करना है? अब ये करना है, हम समझदार होने की काम करना। इन दोनों बात से हुआ नहीं, सब सुखी हो गए, हुए नहीं। कोई मान भी लें हमारे पास बहुत है, ये दूसरा आदमी बोलता है बहुत सुखी है, वो खुद रोता है हम दुखी हैं, इस ढंग की काम है ये। तो इसी को यदि अपन सटीक सर्वे करके तैयार करते हैं, तब अपने को ये बुद्धि में, सद्बुद्धि में उपजता है, इसका कोई सही इलाज होना चाहिए,
सभी सुखी हो जाए। सभी सुखी होने के लिए समझदारी है, समझदारी को सब में पहुंचाया जा सकता है। समझदार होते हैं, सुखी हो जाते हैं, इतना ही काम है। ठीक है, समझदारी के लिए पहला घाट क्या है? अस्तित्व। अस्तित्व को हम यदि समझने जाते हैं, चार अवस्था में अस्तित्व है। इस धरती में प्रमाणित है, पदार्थावस्था में प्रकृति प्रमाणित है, पदार्थावस्था में जितने भी मृत पाषाण मणि धातुएं हैं ये सब पदार्थावस्था में गण्य है, ये सब प्रमाणित ही है अपने अपने आचरण में। और प्राणावस्था जो झाड़ वृक्ष पौधे ये सब औषधियाँ ये सब अपने आचरणों से वो स्वयं प्रमाणित है। सारा जीवावस्था जो मनुष्य को छोड़ करके बाकी जीव संसार है ये भी अपने त्वासहित व्यवस्था के रूप में प्रमाणित ही है। और मनुष्य ही है त्वासहित व्यवस्था के रूप में होने में अभी प्रतीक्षित है। अब बोलिए सर, सबसे विकसित पद, सबसे पीछे की कथा, क्या मतलब है इसका? दुखी नहीं होगा तो क्या होगा भाई? विकसित पद और मैंने उसका जो सबसे पीछे की चरित्र, ठीक है ना, पीछे की चरित्र सबसे ज्यादा विकसित, इस ढंग से क्या होगा? ठीक है, तो हमारा चरित्र भी विकसित के अनुरूप होने की आवश्यकता, क्योंकि व्यवस्था जो प्रमाणित होती है हर इकाई में, चाहे पदार्थावस्था हो, प्राणावस्था हो, जीवावस्था हो, ज्ञानावस्था हो, उनके चरित्र के अनुसार ही प्रमाणित होते हैं और कुछ होते भी नहीं। उसको दूसरा भाषा दे सकता है आचरण। आचरण के रूप में हर वस्तु अपने व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। वैसे मानव भी अपने आचरण के अनुसार प्रमाणित करेगा छोटा सा का, ठीक है। ये अपने को एक सूत्र मिलता है, ये सूत्र को जांचना आप ही को है, मुझको ही है, दूसरे को ही है, हर व्यक्ति को जांचना ही अपने में। तो ऐसे जांचने जाते हैं तो हम अपने में कौन सा चीज समझने वाला है उसको पहले समझने का दौड़, समझ करके निर्वाह करने वाला क्या चीज़ है उसका दौड़, और दौड़ करके क्या पाएंगे इसका दौड़, पाने की बात प्रमाण का निरंतर दौड़, ये मनुष्य का पहुंच। इस पहुंच में अस्तित्व की चारों अवस्था देखा तो मानव ज्ञानावस्था में गण्य होता है। ज्ञानावस्था में गण्य होने का क्या आधार है भाई? मनुष्य जो है ना, जो जिसको समझाऊं मानता है उस ढंग से कार्य व्यवहार करता है। जाना नहीं रहता है तभी भी मानने की बात हर व्यक्ति में है, हम इसको जानता हूं ऐसा कहता है दावे के साथ, ठीक है। तो वो जाना नहीं रहता है, माना रहता है, बोलते समय में जानता हूं कहता है, ये व्यतिरेक है ही। भ्रमित आदमी में यही व्यतिरेक है, जो कहता है उसको समझा नहीं रहता है। जागृत आदमी में क्या रहता है? जो कहता है उसको समझा रहता है वस्तु के रूप में। जो कुछ भी कथन है उसके मूल में कोई वस्तु है, रहता ही है। यदि वस्तु नहीं है वो कोई शब्द भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। कोई भी बात होगा उसके मूल में उसका माने वस्तु निहित रहती है। वस्तु को अर्थ कहते हैं। अर्थ कहने का मतलब है कोई वस्तु है वही अर्थ है। मानव शब्द रखा, मानव के मूल में मानव रहता ही है। तो आप रहते हैं, मैं रहता हूँ, आप ही रहते हैं, आप भी रहते हैं, सब रहते हैं। मानव शब्द के मूल में मानव नाम की वस्तु रहती है, शब्द मानव नहीं है, ठीक है। शब्द नाम की, शब्द एक वस्तु को इंगित कराने के लिए, निर्देशित करने के लिए शब्द, और वस्तु मूलतः माने शाश्वत है, वस्तु रहता ही है, ठीक है। इस ढंग से हर नाम से हम किसी वस्तु को बोध करना है, जीवन नाम से भी कोई वस्तु को बोध करना है। जीवन नाम की वस्तु, जीवन कहा, जीवन कहते ही हम कितने लोग इस धरती पर होंगे जो जीवन को ही पहचानते हैं और शरीर को पहचानते हैं जीवन के नाम से, आप स्वयं सोच लो। वो ये तो प्रतिशत निकालोगे तो 99% आदमी शरीर को ही जीवन मानते हैं आज की स्थिति में। पहले भी ऐसे ही रहा होगा, कोई आश्चर्य नहीं है, अभी भी वैसे ही है। जीवन को शरीर मानने का फलस्वरूप ही हम तमाम
परेशानी का आधार बना, परेशानियों को भोगे। अब वो परेशानियों से मुक्ति पाने की इच्छा भी तैयार हुई, उसी इच्छा के आधार पर यह कार्यक्रम। चार अवस्था में से मनुष्य ही एक ऐसा आदमी है जो कि अपने को समझदार हुए बिना ये अपने में समाधानित होना नहीं। बाकी सब कैसे हैं भाई, समझे बिना कैसा रहते हैं, उनका मैंने नियम है दूसरा है। पदार्थावस्था जो नियंत्रित रहता है, तो जो कुछ भी बात रहती है वो नियम से नियमित रहता है, और वही प्राणावस्था आती है तो फलस्वरूप नियंत्रित रहता है। पदार्थावस्था नियम से नियंत्रित होकर नियंत्रित रहता है, ठीक है। उसके बाद जो प्राणावस्था आती है, जो अन्न वनस्पतियां होते हैं, ये बीजानुषंगी विधि से नियंत्रित रहता है। पदार्थावस्था कैसा नियंत्रित रहा, तो परिणामानुषंगी विधि से नियंत्रित रहा। नियंत्रित रहने का प्रमाण ही है व्यवस्था के रूप में होना, निश्चित आचरण होना, ये इस बात को हम देख सकते हैं। ये जब निश्चित आचरण एक परमाणु में है, निश्चित आचरण एक अणु में है, निश्चित आचरण एक अणुरचित रचना में है, जैसा मैंने धरती में है, इस प्रकार की निश्चित आचरण जब है, मनुष्य में भी निश्चित आचरण की जरूरत है, ठीक है। उसी भांति प्राणावस्था में हर वनस्पति, औषधियाँ, झाड़, पौधे सब अपने अपने विधि से, बीजानुषंगी विधि से वो नियंत्रित है। बीज संयोग, धरती, हवा, पानी, इनकी संयोग से वो नियंत्रित है। और तीसरा अवस्था जीव, वंशानुषंगी विधि से नियंत्रित है। मनुष्य जो है ना, संस्कारानुषंगी विधि से नियंत्रित रहना है। संस्कार क्या है, समझदारी बराबर संस्कार, खत्म हो गया बात। समझदारी जब तक तब तक पूरा होने वाला नहीं है जब तक हम जीवन अस्तित्व को समझे नहीं है, तब तक ये समझदारी पूरा होना नहीं है। समझदारी पूरा होने का प्रमाण ही है मानवतापूर्ण आचरण, इस ढंग की बात बनता है। ऐसे मानव संस्कार अनुषंगी विधि से ये समझदार होता है, फलस्वरूप समाधानित होता है, व्यवस्था में जीता है। इनका आचरण मानवीय आचरण कहलाता है, जब व्यवस्था में जीता है। व्यवस्था में नहीं जी पाता है तो नहीं, उसका नाम है अमानवीय आचरण, ऐसा बन पाता है कहने में। अब उसके बाद ये मानवीय आचरण अमानवीय आचरण का परिभाषा बनता है, परिभाषा बन करके कहीं ना कहीं कुछ दूर तक पता लगता है, यह हमको जरूरत है नहीं जरूरत है, यह सब पता लगता है। पता लगने के बाद जो जरूरत है उसके ओर आदमी का प्रवृत्ति होती है, फलस्वरूप वो स्वाभाविक रूप में जागृत होने की रास्ता बनी है, ठीक है। ये एक सामान्य घाट हुई। इन घाट के आधार पर हम पुनः आगे चलते हैं। तो संस्कार का मतलब तो आपको समझ में आ गई है कि जो समझदारी ही है। समझदारी तीन मुद्दे पर निर्भर है, मानवीयता पूर्ण आचरण, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन, ठीक है। अस्तित्व दर्शन में चार अवस्था की बात हुई। चार अवस्था में से एक अवस्था है मानव। ये सारे अवस्था कैसे है, सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में ही है। मानव भी सत्ता में संपर्कित है, और पत्थर भी है, मणि भी है, धातु भी है, सारे जीव जानवर भी है, झाड़ पौधे भी है, सभी का सभी सत्ता में, व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु भिगा हुआ है, डूबा है, घिरा हुआ है, इस ढंग से सबकी स्थिति हुई। तो सबकी स्थिति होने के पश्चात यहाँ से और एक सूत्र की याद आवश्यक है। जीवन नित्य रहती है, निरंतर, जीवन कभी मरता नहीं, ना पैदा होता है। क्या बात है, जीवन ना तो पैदा होता है ना मरता है, ठीक हो गए। और शरीर पैदा भी होता है और मर भी जाता है, ठीक हो गए।
तो जीवन के जीवन सहज विधि से मानव शरीर को चलाना चाहता है। जीवन सहज विधि क्या है? सुखी होने की कार्यक्रम है। जीवन सुखी होता है और जीव सब जीने की आशा से टंगे रहते हैं, जीने की आशा से वंशान संगीता विधि से जीते हैं। मनुष्य सुखी होने की विधि से जीना चाहता है और वंशान संगीत ढंग से जीने जाता है, परेशान होता है। इतनी ही बात है, ठीक। तो इसको अच्छे ढंग से हमको समझने की जरूरत है, इसको अच्छे ढंग से हृदयंगम करने की जरूरत है, इसको अच्छे ढंग से प्रमाणित करने की जरूरत है। ये जरूरतों को पूरा करना हमारा काम है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। तो प्रमाणित करने का यदि कोई वस्तु है, इस बात पर अपन नजर डाल चुके हैं, समझदारी ही प्रमाणित करने की वस्तु है, जिसको हम समझा कर प्रमाणित करते हैं। उसका विधि यह है, जब हम आपसे समझते हैं उसको, मैं जब दूसरों को समझा पाता हूँ तब आप प्रमाणित हुए। तब तक हम प्रमाणित हुए नहीं, आप प्रमाणित हुए नहीं। इस विधि से एक बहुत बड़ी भारी आसार इससे समझ में आता है, परंपरा में समझदारी बहती है, एक समझ में आता है। दूसरा सूत्र उसी के साथ अपने आप में समझ में आता है, ना समझी परंपरा में बहता नहीं है। ना समझी परंपरा में बहता नहीं है, इसका कैसा हम स्पष्ट कर लिए? इसके पहले स्पष्ट हो चुकी है, पुनः याद दिलाने की क्रम में ये बात को अपन स्वीकार चुके हैं। हम सही में एक हैं, गलती में अनेक हैं। किसी गलती को हम आगे पीढ़ी के लिए हम अर्पित भी करते हैं, उसके साथ उनका कल्पनाशीलता जुड़ करके नया तरीका बन जाता है। बह कहाँ है? बहता है केवल समझदारी है, ना समझी बहता नहीं है। यह बात अपने को पता लगता है। इसी के साथ यह भी अपने को दूसरा भाग भी समझ में आता है, ना समझी को बहाने के क्रम में पीढ़ी से पीढ़ी कुंठित होना ही है। पीढ़ी से पीढ़ी कहीं ना कहीं कुंठित होकर के तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि की दलदल में आना ही है। चाहे आप हो, मैं हो, हमारा पिताजी हो, कोई भी हो, हालत ये की है। यदि ये समझ में आता है तो और भी सुदृढ़ होता है, समझदारी की आवश्यकता कितना है। समझदारी ही एकमात्र वस्तु है जो कि आगे पीढ़ी को अर्पित होता है। और उसमें क्या विविधता नहीं होता है? होता है। क्या बात विविधता होता है, और प्रस्तुति में विविधता होता है। हम एक गणित को एक दो मिनट में हम ठीक करता हूँ, आप जो है ना एक मिनट में दो को ठीक कर देते हो, ये विविधता आती है। सही करने की गति और प्रखर होता जाता है, सही करने की तरीका और प्रखर होता जाता है, सही करने की सार्थकता और सुलभ होता जाता है। क्या बात है, ये छोटा सा काम, ये मैं समझता हूँ सर्वमानव के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए समझदारी से संपन्न मानव परंपरा ही सही ढंग से परंपरा को और आगे पीढ़ी को अपने समझदारी को अर्पित कर स्वयं संतुष्ट हो सकता है और आगे पीढ़ी संतुष्ट होता ही के समाधान से सब संतुष्ट होना है। समाधान ही समझदारी किसे ही समाधान होना है, और समझदारी ना होने से समस्या होना ही होना, ये कुल मिलाकर के मतलब निकलता है। इस विधि से हम यहाँ पहुँचते हैं समझदारी की आवश्यकता और बलवती होने की जगह में आ गए। पहला समझदारी तो यही है जीवन स्वरूप। जीवन स्वरूप एक गठनपूर्ण परमाणु है, ठीक है, तो जिसमें प्रस्थापन विस्थापन क्रिया समाप्त हो गई है। समाप्त होने के बाद वो गठनपूर्ण परमाणु कहलाया, नाम हुआ,
और गठन पूर्ण परमाणु में चैतन्य प्रवृत्ति बन गई। चैतन्य प्रवृत्ति का मतलब भी है संवेदनाओं को प्रमाणित करना। संवेदनशीलता जो है सुस्पष्ट है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधेन्द्रियों के रूप में संवेदनाओं को व्यक्त करना, ये जीवावस्था में ही आ चुकी। ज्ञानावस्था में मनुष्य संस्कार अनुषंगी इकाई होने के कारण संस्कार समझदारी ही होता है, गलतियां कोई संस्कार होता नहीं। गलती को आदमी एक भी आदमी स्वीकारता नहीं है, किंतु फंसा जरूर रहता है। बढ़िया, गलतियों को कोई आदमी स्वीकारता नहीं। कोई भी आदमी से कितने भी हजार गलती से गलती किया हुआ आदमी हो, ऐसे लोगों से हम पूछा भी हूँ, वो कहते हैं गलती किसको स्वीकृत होता है, गलती करने वाले को स्वीकृत नहीं तो किसको स्वीकृत होगा, ऐसा वो खुद ही बोलते हैं। तो इन तमाम गवाहियों के साथ हमको यही निश्चय निकलता है, समझदारी ही परंपरा का गंगा है और ना समझी ही है गंदी नाली जिसमें हम परेशान होते हैं। ठीक है, ये कुल मिलाकर के अपने को हाथ लगने वाली बात यहाँ आता है। यहाँ से हम समझदारी के ओर, जैसा ही हम समानता के ओर गए, समानता ही एक ध्रुव है, समानता के ध्रुव के बिना समझदारी टिकता नहीं। समानता का ध्रुव जीवन है, जीवन में गठन पूर्णता एक माने आयाम है। दूसरा आयाम है अक्षय शक्ति। अक्षय शक्ति को अपने में जांचने की विधि मैंने जो अपनाया वो यही है, हम जितने भी कल्पना करता हूँ करने की बावजूद और कल्पना करने की ताकत बनाई रहता है। मैं जितने भी आशा करता हूँ उससे अधिक आशा करने की ताकत बनाई रहता है। हम जितने भी विचार करता हूँ उससे अधिक विचार करने की ताकत बना रहता है। जितना हम इच्छा करता हूँ इच्छा से अधिक और इच्छा करने की मैंने ताकत बना रहता है। इसी प्रकार जितने भी हम संकल्प करता हूँ और संकल्प करने की ताकत रहता ही है। जितने भी हम प्रमाणित होता जाता हूँ और प्रमाणित करने का ताकत मुझ में बना ही है। इस ढंग से जीवन की अक्षयता को मैंने पहचाना। जीवन की अक्षयता को पहचान, जीवन अक्षय होने के लिए और परिणामशीलता मुक्त हुए बिना हो नहीं सकती, ये तर्क विधि से जीवन की गठन पूर्णता को स्वीकारने की बात बनता है। जांच विधि से अक्षय शक्ति समझ में आता है, अक्षय बल भी समझ में आता है। अक्षय बल में ये होती है जो जैसा हम जितने भी आशा किया उसका फलन से हम संतुष्ट हुए असंतुष्ट हुए, यह हमको पता लगता है। मैं इसको जानता हूँ हम संतुष्ट हुए या नहीं संतुष्ट हुए। संतुष्टि हमारा वांछित वस्तु है, संतुष्टि नहीं होने पर पुनः हम प्रयत्न करता हूँ, शोधता हूँ कैसा आशा करें जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। ये क्रम चलता है, चलते चलते ये पता लगा कि जितने भी हम तुलन करता हूँ वो तुलन में भी हमारा संतुष्टि हुआ कि नहीं हुआ, ये हम जांचता ही हूँ। साक्षात्कार जितने भी किया, जो जिसको हम मूल्य समझा, संबंध समझा, वो समझा, ये समझा, इसको हम साक्षात्कार करता ही हूँ, उसमें संतुष्टि मिला कि नहीं मिला। और उसके बाद हम ये भी करता हूँ, हमको वाक्य में ये मूल्य बोध हुआ कि नहीं, संबंध बोध हुआ कि नहीं, वस्तु बोध हुआ कि नहीं, अस्तित्व बोध हुआ कि नहीं, इसको हम जांचता ही रहता हूँ। जांचने पर पता लगता है, हम जांचता हूँ तो सही निकलता है, कौन सा तृप्ति मिलती है। यदि कहीं भी लगता है यह इस जगह को जांचा नहीं था, उसको जांचने पर सही होता है। इस ढंग से हम और अनुभव, अनुभव का मतलब भी होता है जो कि अस्तित्व, अस्तित्व में जैसा, अस्तित्व जैसा है, अस्तित्व में जो वस्तु जैसा है उसको वैसे ही समझने वाली बात का नाम है अनुभव। ये बात हमको समझ में आया कि नहीं, पदार्थ अवस्था समझ में आया कि नहीं, इसको जांचता हूँ तो पता लगता है समझ में आया है। प्राणावस्था समझ में आया कि नहीं, पता लगता है समझ में आया। जीवावस्था समझ में आया कि नहीं, पता लगता है समझ में आया। और उसी प्रकार ज्ञानावस्था समझ में आया कि नहीं, आया। ये समझदारी का आधार बनी। अब इसको समझदारी हमको समझ में आ गई है, इसको जांचा कैसा जाए, उसको व्यवहार में जांचा जाता है, कार्य में जांचा जाता है,
व्यवस्था में जा जाता था, तीन जगह है। अब मैं व्यवहार में कार्य में दो जगह में जाचा। अब व्यवस्था के रूप में हम स्वयं जीता हूँ, किंतु समग्र व्यवस्था अभी बनाई नहीं मानव परंपरा में। हम स्वयं व्यवस्था में जीता हूँ, ये बात सत्य है। व्यवस्था में जीने की बात हमारा अनुभव के लिए पुनः प्रमाण मिल जाता है, हमारा अनुभव बुलंद होता रहता है। इस ढंग से अनुभव मूलक विधि से जीने वाली बात आई। इस ढंग से ये चार अवस्था का प्रयोजन समझ में आया। मनुष्य जो है ना, समझदारी पूर्वक अनुभव मूलक विधि से व्यवस्था में जीता है, एक सूत्री है हाथ लगी। और जीव अवस्था वंशानुषंगी विधि से व्यवस्था में जीता है, और प्राणावस्था बीजानुषंगी विधि से व्यवस्था में जीता है, ठीक है। और चौथा, जितने भी पदार्थावस्था है, परिणामानुषंगी विधि से व्यवस्था में जीता है। इस क्रम से पूरा अस्तित्व ही व्यवस्था में होता हुआ हमको समझ में आया है।